कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को जो उन्होंने उद्धव जी को बताए, और इसी क्रम में उद्धव जी को वो सुना रहे हैं दत्तात्रेय जी की कहानी, सत्य कथा, क्योंकि भगवान के अपने वंश में जन्मे महाराज यदु के साथ दत्तात्रेय जी की भेंट हुई थी। दत्तात्रेय जी के शांत स्वभाव को देखकर, उनके सुंदर स्वरूप को देखकर बड़ी ही सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई थी महाराज यदु के हृदय में, और उन जिज्ञासाओं का उत्तर ही दे रहे हैं दत्तात्रेय जी, जहां वो बता रहे हैं कि महाराज मैंने 24 गुरु बनाए हैं और इन 24 गुरुओं से मैंने बहुत सुंदर शिक्षाएं प्राप्त की हैं। आप एक एक करके मेरे गुरुओं का नाम सुनिए और उनसे मैंने क्या शिक्षाएं प्राप्त की हैं वो भी सुनिए। इसी क्रम में 50वें श्लोक में आज दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, गुणेर गुणानुपादत्ते यथा कालम विमुंचति न तेषु युज्यते योगी गोभीर्गा इव गोपति। यानी जिस तरह सूर्य अपनी प्रखर किरणों से पर्याप्त मात्रा में जल को भाप बनाकर उड़ा देता है और बाद में उस जल को वर्षा के रूप में पृथ्वी पर लौटा देता है, उसी तरह संत व्यक्ति अपनी भौतिक इंद्रियों से सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करता है और जब सही व्यक्ति मांगता है उनसे वही चीज तो वो उन्हें वो लौटा देता है। इस तरह वो इंद्रिय विषयों को स्वीकारने और त्यागने दोनों में ही नहीं फंसता। देखिए बड़ी सुंदर शिक्षा ली है सूर्यदेव से दत्तात्रेय जी ने। सूर्यदेव क्या करते हैं? सूर्यदेव अगर ना हो तो कुछ भी नहीं होगा, बारिश ही नहीं होगी, बादल ही नहीं बनेंगे। सूर्यदेव अपनी प्रखर किरणों से समुद्र और जहां भी जलाशय हैं वो सब सुखा देते हैं, सब जल खींच लेते हैं और उन्हीं की कृपा से बादल भी बनते हैं और फिर वृष्टि होती है जिससे कि फसलें होती हैं और भी बहुत कुछ होता है, ठंडक मिलती है, जलाशय भर जाते हैं, समुद्र भर जाते हैं, पृथ्वी के नीचे का जल स्तर बढ़ जाता है, लोगों की प्यास मिट जाती है। तो पहले तो लिया और फिर दिया, जो लिया वो खारा पानी था, कई बार मीठा पानी भी था लेकिन खारा भी था, लेकिन जब दिया तो मीठा पानी दे दिया, है ना? तो इसी प्रकार से जो भगवान का भक्त है वो फल्गु वैराग्य नहीं करता, उसका वैराग्य दिखावटी नहीं होता कि मैंने ये भी त्याग दिया है, ये भी त्याग दिया है, ये भी त्याग दिया है, मैं तो त्यागी हूं, महात्मा हूं। नहीं, उसकी आसक्ति सिर्फ भगवान में होती है और उसका त्याग मन से होता है। वो विषयों को जो ग्रहण करता है तो अनासक्त रूप से ही ग्रहण करता है। हम देखते हैं कितने ही संत ऐसे हुए जो गृहस्थ थे, जिनकी पत्नी या जिनके पति भी थे, बच्चे भी थे, उन्होंने बच्चों की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा और भगवान में वो लगे रहे, भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित थे, उनका समर्पण कहीं और नहीं था। तो विषय भोग
भोगी की तरह नहीं किया उन्होंने, योगी की तरह किया, यानी युक्त वैराग्य। एक होता है फल्गु वैराग्य, जैसे फल्गु नदी है ना, नाम उसका नदी है लेकिन सब जगह रेत ही रेत है, कोई उसको खोदता जाए तो रेत ही हाथ आती है, बहुत बहुत नीचे जाकर के कहीं पानी जैसा कुछ दिखता है ना। इसी प्रकार से जो शुष्क वैराग्य है, जहां पर भगवान से कोई प्रीति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, उनकी सेवा की वासना हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं होती, जबकि जीव का स्वरूप है कि वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है ना। भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं यही बताया, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो जीव अगर भगवान का दास है तो भगवान की सेवा में ही उसे असली सुख मिलेगा। ये जो इंद्रियां हैं या इंद्रियों का जो भोग है, उसे हम कितना भी क्यों ना कर लें, लेकिन ये वही है जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे कि अग्नि में कोई ईंधन डालता रहे, तो इन इंद्रियों को उनके विषय भोग में लगा करके हम और कुछ नहीं डालते, ईंधन डालते रहते हैं, कभी भी इंद्रियां थकती नहीं है। मन अगर विषय भोग में लगा है तो वो इंद्रियों को सहायक बनाता है और विषय भोग में ही रत रह जाता है। तो देखिए, विषय भोग तो एक जानवर भी कर लेता है, तो जानवर में और इंसान में क्या अंतर है? वो गाड़ी में बैठ करके जाता है, जानवर चार पैरों पर चला जाता है ना। वो मकानों में बैठ कर विषय भोग करता है, जानवर फुटपाथ पे कर लेता है, जंगल में कर लेता है। खाता वो भी है, खाते हम भी हैं। हाँ, जानवर गिटपिट गिटपिट भाषा नहीं बोल सकता विभिन्न प्रकार की, लेकिन फिर भी वो ऐसी भाषा बोलता है जो उसके जैसे लोग समझ पाते हैं, उसकी प्रजाति के लोग। तो हम भी अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, तो अंतर कहाँ है? तो अंतर एक है, बड़ा महान अंतर, और वो ये कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, मगर जानवर नहीं कर सकता। जानवर अपने दुखों को नहीं मिटा सकता, उसे तो भोगना ही होता है। इंसान के पास दुख मिटाने की पूर्ण व्यवस्था कर रखी है भगवान ने, उसको बुद्धि दे रखी है, शास्त्र दे रखे हैं, और उसको साधु संघ भी दिया हुआ है। तो इसीलिए कहा गया कि देखो भाई, अगर कोई इंसान सूर्यदेव से कुछ सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है कि सूर्यदेव प्रार्थी को, यानी कोई अगर उनके निकट कुछ प्रार्थना कर रहा है तो वो उसे दान दे देते हैं। क्या दान दे देते हैं? वर्षा। वर्षा जिसके रस से हमारा जीवन है ना। और वो ये नहीं कहते कि ये मेरे द्वारा दिया गया है, ऐसा अभिमान उनके अंदर नहीं है। सूर्यदेव कभी कभी बादलों के द्वारा ढके रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अस्तित्व विहीन हो गए, हम नहीं देख पा रहे हैं, पर सूर्यदेव तो हैं, और स्वरूपतः भी वो सूर्यदेव ही है। वो तो एक आवरण मात्र है ना। तो इसी तरह से ये जो माया शक्ति है, ये आत्मा पर भी अनेक प्रकार की उपाधियां लाद देती है, और हमको लगता है कि हम फला फला व्यक्ति हैं। तो सूर्यदेव के निकट बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त की है दत्तात्रेय जी ने, लेकिन हम जब सूर्यदेव को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? अरे धूप निकल आई है, अरे आज सूर्य नहीं निकले, अरे सूर्यदेव से पहले उठो, सूर्यदेव को जल चढ़ाओ, शरीर ठीक रहेगा। लेकिन कुछ सीखते हैं क्या? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं सीखते हैं आम तौर पर। तो सत्य बात तो यह है कि दत्तात्रेय जी ये सारी शिक्षाएं दे क्यों रहे हैं? वो यही बताने के लिए हमें सारी शिक्षाएं दे रहे हैं कि जीव अपने को पहचानो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, और आत्मा के तौर पर मनुष्य शरीर पाने के बाद ये तुम्हारा बहुत बड़ा कर्तव्य है कि तुम
इस भव सागर से पार हो सकूं, नहीं तो ये जो दैहिक और ये दैविक और ये भौतिक ताप हैं, ये कभी नष्ट नहीं हो सकते। नष्ट कैसे होंगे? भगवान के चरणों की शरणागति लेने से। अगर कोई व्यक्ति भगवत विमुख है, भगवान में उसका विश्वास नहीं है, भगवान को नहीं मानता, नहीं जानता, और अगर कोई ये भी कहे कि मैं मानता हूं, मैं भगवान को मानता हूं, तो उस बात का भी क्या फायदा, वो तो फिजूल बात है। अरे अगर हम किसी को मानते हैं तो उसे सुख देने का प्रयास करते हैं, हम अपनी पत्नी को मानते हैं, पति को मानते हैं, बच्चे को मानते हैं, तो उनके लिए हम सुबह से लेकर रात तक खटते रहते हैं। लेकिन अगर हम भगवान को मानते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं? क्या प्रयास है हमारा उन्हें सुख देने का? क्या हम उनका नाम लेते हैं? सुना है हमने कि अगर हम भगवान का नाम लें तो वो प्रसन्न होते हैं, और भगवान का नाम साक्षात भगवान ही है। तो भगवत प्राप्ति नाम लेने मात्र से हो जाती है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन क्या इतना कुछ सुनने के बाद भी हमारा विश्वास है? तो सीधी सी बात है, अगर कोई सोचे मैं दिन रात मेहनत करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति कहलाऊंगा, मैं देश की भलाई करूंगा, और बहुत कुछ सोचता रहे, तो सीधी सी बात यह है कि भाई अगर कोई पानी मथता रहे सुबह से लेकर रात तक और सोचे कि मुझे इससे घी मिल जाएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है? पानी को मथते रहो, बिलोते रहो, बिलोते रहो, तो उम्र भर भी बिलोगे तो उसे घी कहाँ निकलेगा। इसी तरह यदि कोई सब समय विषयों में रत रहे, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो विषय ही रहे, आंखों का रस ढूंढता रहे, कान का रस ढूंढता रहे, जुबान का रस ढूंढता रहे, दौड़ता रहे यहां से वहां, यहां से वहां, और सोचे कि मुझे सुख की प्राप्ति होगी, तो कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, सुख मिलेगा ही नहीं। तो जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है, जो कि दत्तात्रेय जी हमें समझा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं, तो वो इंसान अपने दुख के बंधन को समझ लेता है कि वास्तव में मैं बंधा हुआ हूं और दुख में हूं, मैं सुखी नहीं हूं। अब कई लोग ऐसे हैं जो कि शास्त्रों में यकीन नहीं करते, तो वो कहते हैं बड़ी पैसिमिस्टिक बातें कर रहे हैं, बड़ी निराशाजनक बात हो रही है, ये तो कहीं से आशावादी है नहीं। आशा किस चीज की आशा? अगर भगवान की शरणागति नहीं ली तो इस जगत में क्या आशा रही? सब कुछ तो नश्वर है, कुछ प्राप्त भी कर लिया तो वो भी नश्वर है, और उसकी खुशी ही कितनी स्थायी है। अंत में इंसान जब अपने अंदर झांकता है तो देखता है कि क्या पाया मैंने, मैं अकेला रह गया, बच्चों को बड़ा करके, उनका ब्याह करके, उन्हें विदेश भेज करके नाम बहुत कमाया मैंने, लेकिन पाया क्या? अकेलापन, अकेलापन पाया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, और अगर वो पास में भी हैं तो भी अपने में इतने इतने व्यस्त हैं वो सब कि कोई एक दफा मेरी तरफ ताकता नहीं है कि मैं कैसा हूं, कोई पूछता भी नहीं है, वो बिजी हैं। तो क्या पाया? कुछ नहीं। अगर साथ में भगवान का भजन चलता होता तो ये अवस्था नहीं होती, इतनी दयनीय अवस्था नहीं होती। इसीलिए सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि समस्त आशाओं को छोड़कर भगवान की शरणागति लेना ही चाहिए, है ना? सोचिए एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा, कि मान लीजिए गंगा जी का तट बहुत पास में है, तो क्या पशु वहां जाकर के उस पानी को पिएगा? नहीं, बिना स्वामी के पशु प्यासा ही मर जाता है। कोई उसका स्वामी होगा तो उसे ले जाएगा उधर, उसको पानी पिलाएगा, नहीं तो उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि पानी कहाँ है। इसी प्रकार से भगवत प्राप्ति रूपी परम सुख
बहुत आराम से मिल सकता है। लेकिन चूंकि भगवान की शरणागति नहीं ली, इसीलिए वो दुर्लभ है हमारे लिए, दुर्लभ। तो जब तक हम भगवान से विमुख हैं, कितने भी साधन क्यों ना अपना लें, कितने भी उपाय क्यों ना कर लें, अपने दुखों से कभी भी हम मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम भगवान की शरणागति लेकर भजन करते हैं, तो इसी जीवन में हम मुक्त हो जाते हैं और जीवन मुक्त कहलाते हैं। मन निर्भय हो जाता है, अभयता को प्राप्त करता है। ये सब भगवान की कृपा के कारण होता है, याद रखें।